खरगोन 25,000 रुपए के लेन देन को लेकर 4 लोगों ने एक व्यक्ति का किया अपहरण। पुलिस ने मात्र 36 घंटे में अपहरणकर्ताओं से अपहृत व्यक्ति को छुड़वाकर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवना से 3 मार्च को खंडवा जिले के बोरगांव निवासी अनिल पिता फुलसिया के अपहरण के मामले में एडिशनल SP जितेंद्र सिंह पवार ने खुलासा करते हुए बताया कि अपहृत हुए अनिल महाराष्ट्र की जालना में मजदूरी करने गया था। यहां महेश जाधव से 25,000 रुपए का लेन देन था। अनिल द्वारा रुपए नहीं लौटाने पर महेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनिल का अपहरण कर लिया। पुलिस ने सूचनाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी का आधार पर सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। CCTV फुटेज के आधार पर जिस वाहन से अपहरण किया गया था वह वाहन विष्टान थाना क्षेत्र का होना पाया गया। पुलिस ने वाहन मालिक से कड़ी पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अपहरणकर्ता आरोपी महेश सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपहरणकर्ताओं से छुड़वाए गए अनिल को सकुशल अपने परिवार को सौंप दिया। स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज में एक वाहन पाया गया जिसमें कुछ संदिग्ध लोग जो है वो तेज गति से जा रहे थे। जब उसकी पड़ताल की तो पता चला कि जो वाहन था वो बिष्टान थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति का था। जब हमने उसको पकड़ा और उससे पूछा तब पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें जो अपहृत है, अपहृत जालना महाराष्ट्र में पहले मजदूरी करता था, और जो अपहरण करता है महेश जाधव नाम का जो बंजारा है उसने अपने 4 साथियों के सहयोग से उक्त अपहरण की घटना को अंजाम दिया और मात्र 25,000 रुपये उसको लेना थे। 25,000 के लिए उसके द्वारा अपहरण और उसके साथ मारपीट और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी? हाँ, हम लोगों ने जो 36 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको न्यायालय पेश किया गया है, और जो अपहर्ता है उसको भी हमने छुड़ा लिया है सकुशल, और जो उसका साड़ू था उसी की शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध कर मामला अभी अनुसंधान में चल रहा है। सेंधवा शहर थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद 1 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सेंधवा SDOP मनोहर सिंह बारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि टेगोर बेड़ी बड़ के पेड़ के पास एक व्यक्ति हरे रंग की थैली में गांजा लेकर खड़ा है। सूचना पर तत्काल सेंधवा शहर थाना पुलिस की टीम गठित कर आरोपी युवक अनिल पिता रूप सिंह निवासी टेगोर बेड़ी को पकड़कर उसके पास रखी हरे रंग की थैली से 1 किलो 250 ग्राम गांजा जिसका बाजार मूल्य करीब 12,500 रुपए ही जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मादक पदार्थ गांजे के संबंध में आरोपी युवक से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। ये कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि आसमानी रंग का शर्ट पहने हुए टेगोर बेड़ी में हरे रंग की थैली ले खड़ा है, तो पुलिस ने उसकी चारों तरफ से घेराबंदी करके उसको पकड़ा। तो नाम पता पूछने पर उसने अनिल पिता रूप सिंह वासकले निवासी टेगोर बेड़ी बताया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो और 250 ग्राम गांजा जिसकी कुल कीमत 12,500 रुपये जब्त किया गया, जिसके आधार पर थाना सेंधवा शहर में अपराध क्रमांक 95/21-8/20 NDPS एक्ट की तहत कार्रवाई की गई। और इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी BS मुजालदा, सब इंस्पेक्टर RC सोलंकी और संपूर्ण थाने का बल इसमें सराहनीय योगदान रहा। अभी इससे पूछताछ की जा रही है, आगे की जानकारी पता चले किससे खरीदा, किसको देने जा रहा था।